आज हम आए हैं चामोला पैलेस, तेलंगाना हैदराबाद में हम एंटर हुए हैं। चामोला पैलेस निज़ाम की प्रॉपर्टी का पैलेस है, ये बहुत पुराना पैलेस है। एंटिक ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज, एंटिक कार्स ये पैलेस में सब है। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ बी कनेक्टेड। ये पैलेस के अंदर मैं एंट्री लूँगा और आपको उसके बारे में पूरा बताऊँगा। बहुत ही ब्यूटीफुल है, प्लीज़ वॉच टिल दी एंड, और पसंद आए तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस कनेक्टेड रहिए, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स दोस्तों, ये चामोला पैलेस, निज़ाम चामोला पैलेस का व्यू कर सकते हैं आप। ये कंप्लीट पैलेस है, इसे आप देखते रहिए। हम थोड़ी देर में इसके अंदर जाते हैं, अंदर जाकर पता लगाते हैं कि अंदर क्या क्या है एंड व्हाट आर द एंटिक ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज ऑफ निज़ाम। ये सब हम देखना चाह रहे हैं, अंदर जाएंगे। आप कनेक्टेड रहिए, प्लीज़ गाइस कनेक्टेड रहिए वीडियो में, हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स चामोला पैलेस में अंदर हम एंटर हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, महाराजास की निज़ाम की प्रॉपर्टी है ये, काफ़ी ब्यूटीफुल इसका सेटअप है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। हम भी यहाँ से देख रहे हैं, बहुत प्यारा लग रहा है ये कंप्लीट सेटअप। चामोला पैलेस की एंट्री में है, अंदर बहुत कुछ है, मैं बताते रहूँगा आपको, आप वीडियो में कनेक्टेड रहिए। गाइस ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है। फ्रेंड्स अब मैं एंटर हुआ हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओल्ड ऑर्नामेंट्स है निज़ाम के। निज़ाम जो एक बादशाह थे हैदराबाद के, किंग थे, उनके ये कंप्लीट सेटअप्स हैं। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं सक रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें हाथ नहीं लगी है, बट देखने के लिए बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स, दीज आर वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स टू सी। आप देख सकते हैं मैं अंदर एक पैसेज में आया हूँ, मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर आसिफ जान, ये निज़ाम हैदराबाद के थे जिन्होंने ये बनाया है। आप व्यू कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स कनेक्टेड रहिए, मैं और आगे बढ़ता हूँ, लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाए और फिर मैं आपको बता सकूँ। ये गद्दी है निज़ाम की, जहाँ पर मैं समझता हूँ कुछ ओकेजन्स होते थे, स्पीचेस यहाँ से देते थे राजा की। सो इसे व्यू करते हैं हम। ये महाराजा की गद्दी है, यहाँ पर एंट्री नहीं है, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है, इसीलिए आपको बाहर से थोड़ा व्यू करा रहा हूँ। फ्रेंड्स आप पूरे व्यू कर सकते हैं, ये कंप्लीट इंटरनल वीडियो क्लिप है, वीडियो निकाल रहा हूँ मैं, इंटरनल एरिया है ये चामोला पैलेस का, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है।
एंटीक प्लेस है, बहुत मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए मैं अब आया हूँ अंदर, यहाँ का भी व्यू कराता हूँ। काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर मैं ये पूरा आपको पढ़कर इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसीलिए मैं जस्ट व्यू करा रहा हूँ। व्यू कर आप खुद समझ सकते हैं। ये कंप्लीट निज़ाम फैमिली, निज़ाम की फैमिली फ़ोटो है। निज़ाम की फैमिली पिक है ये फ्रेंड्स। ये सेवेंथ निज़ाम विथ हिज कॉर्टियर्स, कॉर्टियर्स के साथ है, जिनका नाम है महाराजा कृष्ण प्रसाद सर अफसर उल मुल्क एंड नवाब फखरुल मुल्क। ये तीन लोग हैं, महाराजा किशन प्रसाद, सर अफसर एंड मुल्क एंड नवाब फखरुल मुल्क, इनका पोर्ट्रेट है ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये निज़ाम का दरबार है, निज़ाम दरबार जो चौमाला पैलेस में लगता था इन 1937 यहाँ पर ये चौमाला पैलेस में दरबार लगता था, उसका एक पिक्चर है ये। ये पोर्ट्रेट आपको व्यू करा रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है दोस्तों, आप भी ज़रूर आइए, विज़िट कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। हम चौमाला पैलेस के इंटरनल पैसेज में हैं, यहाँ पर इंटरनल जहाँ पर 1930s एंड 40s के पिक्चर्स है निज़ाम के, सेवेंथ निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मैं जो आपको व्यू करा रहा हूँ फ्रेंड्स। ये हेरिटेज अवार्ड है, 2002 में हेरिटेज अवार्ड यहाँ पे मिला था, एंड वन मोर अवार्ड जो 2005 में हेरिटेज अवार्ड। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, हम यहाँ पर हैं, हमें लग रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट है यहाँ पर। छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स हैं, जैसा जैसा मुझे दिख रहे हैं इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, इसीलिए नहीं बता पा रहा हूँ, पर आप व्यू कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब जा रहा हूँ मैं अपस्टेयर्स पे, ये पैलेस के अपस्टेयर में हम जा रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे क्या मिलेगा, कनेक्टेड रहिए मैं आपको बताता हूँ अभी ऊपर का। फ्रेंड्स हॉल ऑफ हेरिटेज स्टाफ, हेरिटेज आर्ट्स का ये हॉल है जहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स हमें लगे हुए मिल रहे हैं, मैं आपको एक एक पोर्ट्रेट का व्यू कराता हूँ। कैन वॉच दिस निज़ाम पिक्चर्स, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है बट आप वॉच करिए, ये चीज़ हर जगह हर वक्त हमें देखने नहीं मिलती। हेरिटेज आर्ट्स गैलरी में अब आप एंटर हुए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसीलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर हेरिटेज आर्ट्स गैलरी है, उसमें ये पिक्चर्स लगे हुए हैं।
ये मुकरम जहाँ बहादुर आसिफ जहाँ एट किंग ऑफ निज़ाम, ये उनका पिक्चर है। फ्रेंड्स अब हम आए हैं, हॉल ऑफ हेरिटेज क्रॉकरी, निज़ाम के टाइम की क्रॉकरी है यहाँ पर। वेरी ब्यूटीफुल टू वॉच, आप देख सकते हैं, मैं पूरा व्यू कराऊंगा। हाउ मेनी ईयर्स बैक ये क्रॉकरी है यहाँ पर, जो अभी भी सेफ है, हम देख सकते हैं। प्लीज़ वॉच इट गाइस, छोड़िए मत, बहुत ब्यूटीफुल थिंग्स है। मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा नहीं बता सक रहा हूँ क्योंकि मुझे मिली नहीं है, बट ये क्रॉकरी पूरी, दिस इज़ पार्ट ऑफ निज़ाम, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। एंटिक जार्स, एंटिक कप्स, हाउ मेनी ईयर्स बैक यू कैन इमेजिन, सोच सकते हैं हम कि कितने साल पुराने ऑर्नामेंट्स यहाँ पर है। बहुत ही ब्यूटीफुल और सेफ रखा गया है यहाँ पर, हमें अलाउड नहीं है, हम कुछ भी खोल नहीं सकते, इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट डोंट माइंड, आप वॉच करिए, ये अनबिलीवेबल आइटम्स जो हम देख पा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये तेलंगाना हैदराबाद में निज़ाम की प्रॉपर्टी है, चौमाला पैलेस, ये पोर्ट्रेट आप वॉच कर सकते हैं, जहाँ पर डिनर हो रहा है विथ ऑल राजा महाराजा वो टाइम के, उसी की क्रॉकरी अभी तक सेफ रखी हुई है।